नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल केटी ज्ञान। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है और टाइटल में भी पढ़ लिया है, अब इस टाइटल और थंबनेल को देख के बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा, कुछ लोग गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा ज्ञान सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी भावनाओं को ठेस भी नहीं लगेगी और आप तक मेरी सही बात भी पहुंच जाएगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद सही तरीके से पूजा करने का फल भी मिल जाएगा कि ताकि आपकी जो पूजा करें, साधना करें, वो सही तरीके से फलित भी हो। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी इस पूरे वर्ल्ड में शिवजी और विष्णु भगवान के अनुयायी जो हैं, जो समर्थक हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से विष्णु भगवान के समर्थक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो पहला जो टॉपिक है, इसीलिए मैंने शिवजी पे आज किया है और अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो विष्णु भगवान के ऊपर भी आएगा। ये दो जो टॉपिक हैं, एक टॉपिक आज बनेंगे और दूसरा टॉपिक जो पाइपलाइन में है वो भी आपके सामने आएगा बहुत जल्द। सो समर्थक जो हैं विष्णु भगवान के ज़्यादा हैं और बहुत से लोग शिव को मानते हैं। कोई लोग कहते हैं कि शिव की पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, शिव को किसी ने जन्म नहीं दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया। और ये बात आपको गीता में भी सुनने को मिलती है और यही बात आपको विष्णु सहस्त्र नाम में भी सुनने को मिलती है। और ये दोनों ही मेरे गुरु हैं, मेरे पथ प्रदर्शक हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में इनका ही नाम लेता हूँ स्टार्टिंग में और आगे भी निरंतर लेता रहूँगा क्योंकि मैं दोनों का ही साधक हूँ। तो आज ये तो हो गई एक बात कि एक बड़े हैं एक छोटे हैं और एक छोटे हैं एक बड़े हैं। कुछ लोग लड़ भी जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही हैं, लेकिन अपने इस वीडियो के जो टाइटल और थंबनेल में मैंने बात कही है, अगर आज आपने इस वीडियो को सुन लिया, समझ लिया, सो ये जो वीडियो अब मैं बोलने जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का होगा, लेकिन आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि क्यों आपकी पूजा सफल नहीं होगी, कोई भी आपका शिवजी का मंत्र काम नहीं करेगा और आप शिव शिव ही कहते रह जाएंगे और जीवन में आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं। निर्गुण ब्रह्मा के सगुण हो जाने को देवी कहते हैं, राइट। शिव से अनन्य है शिवानी और महादेव से अभिन्न है भवानी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ब्रह्मा के उपासक हैं और आपका शक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप शिव शिव ही कहते रह जाएंगे अगर शक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शिव से आप संबंध बना सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। शिव से आप संबंध बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि शिव तो असंबंध है, निराकार है, शिव हैं, उनसे क्या संबंध बनाओगे आप। संबंध हमेशा सगुणी प्रकृति से बन सकता है, जहां गुण है सिर्फ वही संबंध बन सकता है। तो शिव आपके अस्तित्व के केंद्र में हो सकते हैं पर उनसे आपका संबंध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। संबंध केवल शिवानी से बन सकता है, यानी मैं बात कर रहा हूं शक्ति की, माँ पार्वती की बात कर रहा हूं। इसीलिए ऋषियों ने हमारे कई शास्त्रों में, वेदांतों में माया को बार बार चेताया है। और माया क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा ह्रीम जो बीज मंत्र है वो माया का मंत्र है। तो माया जो ह्रीम मंत्र है ये क्या है, एक्चुअली में ये माँ दुर्गा के स्वरूपों का ही एक स्वरूप है, उसी का ही बीज मंत्र है। तो माया वहीं से आई है, इसीलिए जो आम आदमी होता है वो माया को समझ नहीं पाता है और यही कारण है कि ये माया उसके पीड़ा का कारण बन जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी आपको यही बार बार देखने को मिलता है। देवता लोग जो हैं बार बार देवी से बोलते हैं कि हम भली भांति जानते हैं कि हमारे जो कष्टों का कारण तुम ही हो देवी,
हमें जितने भी दुख मिल रहे हैं तुम्हारे कारण ही मिल रहे हैं। हम दैत्यों से हार रहे हैं, हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, हम भूल कर बैठे हैं, इसका कारण भी तुम ही हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसका कारण ये भी है कि हम तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे मूल स्वरूप को भूल गए हैं। हमें और उन कष्टों से मुक्ति भी उसी रास्ते से मिलेगी। अब ये कौन सा रास्ता है? तो वो है कि देवी के मूल स्वरूप को आप पहचान जाइए, उनका उल्लंघन नहीं कीजिए, उनकी अवज्ञा नहीं कीजिए, उनकी अवमानना नहीं कीजिए। अगर ये सब आप काम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, देवी की भक्ति करते हैं, तो शिव आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। इसीलिए अर्धनारीश्वर है, क्योंकि शिव की जो ऊर्जा है, शिव जहाँ से शक्ति को ग्रहण करते हैं, वो शक्ति उनको भवानी से ही मिलती है। यही कारण है कि जब हलाहल वश पिया था, जिस समय हुआ था, उस समय माँ तारा यानी जो दुर्गा है, माँ भवानी है, उनके ही एक रूप ने ही उस जगह पे शिव जी के कंठ में उस हलाल विष को रोक दिया था। ये शक्ति थी, बाकी किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं थी। तो आज भी हम देखते हैं कि भारत में जो हमारे वहाँ बहुत सारे जहाँ पे साधकों के घर में देवी आ जाती है, या कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, झाड़ पोछा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब भी कुछ आफत आ जाती है घरों में, तो लोग बोलते हैं कि देवी कुपित हो गई है, देवी रूठ गई है, देवी का प्रकोप है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकृति के साथ वो सम्यक जो हमारा संबंध है, वो हमने नहीं रखा जो रखना चाहिए था, इसलिए प्रकृति जो है हमसे रूठ गई। अब वो प्रकृति क्या है? वो प्रकृति है देवी। संसार हमसे विमुख हो गया। तो देवी जब किसी से रुष्ट हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, तो वो लाल लाल आंखें लिए हुए होती हैं, क्रोध में भरी हुई होती हैं, और साक्षात काली माँ के रूप को धारण कर देती हैं शत्रुओं के संगार करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये मत सोचिए कि देवी जो हैं, हमारी काली माँ है, वो माँ है, वो माँ है उनके लिए जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छी पूजा करते हैं। लेकिन अगर वही साधक दुराचारी हैं और गलत तरीके से कुछ भी काम करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो, शैतान हो, उन सब के लिए ही वो माँ शक्ति काली ही है। लेकिन अगर आप सही तरीके से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वही फिर भक्त वत्सला है, भक्तों को गोद में बैठाने की क्षमता रखती है, उनके निकट भी आएंगी, उनको समझाएंगी भी, और उनमें खो भी जाएंगी, और कभी कुपित भी नहीं होगी, हमेशा आप उनके छत्र छाया में रहेंगे। तो बस इतनी सी ही बात है। तो ऐसा कोई मेरा आज का उद्देश्य नहीं था हिट करने का, मेरा आपका बस, मेरा जो मकसद था वो यही था कि आप जब भी साधना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोने सोने के चक्कर में हीरे को गवा दें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम हमेशा भटक जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको जाते जाते दे के जाता हूं। हम लक्ष्मी 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 करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ हैं और वो हम उनकी पूजा करेंगे, उन्हीं के हाथ में पूरा भंडार है सोने का, असरफियों का, पैसों का। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लक्ष्मी चंचला होती है। हम नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएंगी वहीं पर ही, क्योंकि जहाँ नारायण है, उनके प्रभु हैं, वहाँ पे लक्ष्मी है। उसी तरीके से जहाँ पे माँ भवानी है, शिवानी है, वहाँ पे शिव महादेव अपने आप ही हैं। बस इतना सही मुझे आपको समझाना था, और यही बात मैं अपने टाइटल और उसके थ्रू कहना चाहता था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, और अब आप इस तरीके से भक्ति करके शक्ति को अपने पास पाएंगे और साक्षात शिव को भी अपने पास पाएंगे, अपना गुरु बनाएंगे और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। यही मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। अगला टॉपिक श्री नारायण के ऊपर भी जरूर आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें और बहुत जल्दी ये टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत होगा, कल में या परसों में। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ, विदा लेता हूँ। आप सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें, और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें और सभी को सुरक्षित रखें। इसी के साथ नमो नारायण, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय माँ भवानी, हरिओम।